नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप सबके मन में बस एक ही सवाल होगा, 3 मई के बाद क्या होगा? लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर खुल जाएगा? आप सबकी अलग अलग राय होगी, लेकिन सरकार का फैसला तो फैक्ट पर होगा जो देश के लिए जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसा ही करेंगे। अब तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। सोमवार को यानी 27 अप्रैल को वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उस दिन शायद तस्वीर कुछ साफ हो। पिछली बार जब उन्होंने ऐसी ही बैठक की थी तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पर्दा हटा दिया था। फिर 2 दिनों बाद मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि लॉकडाउन पार्ट 3 आने वाला है। कोरोना को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो राहत की बात, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक बात को अपने मन में बैठा लीजिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। छोटी सी चूक से सब गड़बड़ हो सकता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है या नहीं। जो ये कहते हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होता, वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। वे आपको गुमराह कर रहे हैं। अब तक के रिसर्च और स्टडी यही बताते हैं कि जिस देश में लॉकडाउन जितना लंबा रहा है, वहाँ कोरोना से बचने का फायदा मिला है। इटली तबाह हो चुका है। वहाँ 57 दिनों का लॉकडाउन था तो रिकवरी रेट 29% रहा। रिकवरी रेट का मतलब भी समझ लीजिए, कोरोना के जितने मरीज हैं उसमें से कितने स्वस्थ हुए, इसे रिकवरी रेट के आंकड़े से समझा जा सकता है। चीन के वुहान में सबसे लंबा यानी 77 दिनों का लॉकडाउन रहा, वहाँ रिकवरी रेट रही 93%। स्पेन में 57 दिन के लॉकडाउन पर 41% की रिकवरी रेट रही। फ्रांस में लॉकडाउन 56 दिनों का था तो रिकवरी रेट रहा 25%, जबकि अपने यहाँ यानी भारत में 40 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है और रिकवरी रेट है 20%। जब 24 तारीख की आधी रात से भारत में लॉकडाउन लागू हुआ तब कोरोना के 500 केस थे और 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। ठीक 1 महीने बाद अब जब 24,000 केस हो चुके हैं, जबकि करीब 750 लोगों की जान जा चुकी है, धीरे धीरे बड़े शहरों और महानगरों से निकलकर वायरस अब देश के कस्बों और छोटे छोटे शहरों तक पहुंचने लगा। ये ट्रेंड खतरनाक है। थोड़ी सी छूट मिलते ही लोग बाजार पहुंच जाते हैं, मंडी में मेला लग जाता है। ऐसे में बिना लॉकडाउन के तो खुला खेल फरुखाबादी वाला मामला हो जाएगा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में है, 6,000 के आसपास। इसके बाद गुजरात में पिछले हफ्ते भर में काफ़ी नए केस आए, जिससे ये राज्य लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दिल्ली तीसरे और राजस्थान 4th नंबर पर है। एमपी में इंदौर और भोपाल का हाल किसी से छिपा नहीं है। यूपी के आगरा में भी हालात खराब हैं। देश भर में जो भी हॉटस्पॉट बने हैं वहाँ तो कम से कम लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है। इसे अभी से आप लिख कर रख लीजिए। बार बार ये कहा जाता है कि भारत में टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए नए केस बढ़ने के रेट दूसरे देशों के मुकाबले कम दिख रहे हैं। केंद्र सरकार ऐसा नहीं मानती है। टेस्ट और कोरोना मरीज का क्या कोई सीधा रिलेशन है? अब इसे मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के आंकड़ों से समझिए। दोनों राज्यों में केस की संख्या 1700 के आसपास है। एमपी में 10 लाख पर 350 सैंपल की जाँच हो रही है, वहीं तमिलनाडु में 10 लाख पर ठीक 2 गुना यानी 700 के करीब। फिर भी एमपी में जाँच कम होने पर भी केस अधिक है। ये कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब 10 दिनों में डबल यानी 2 गुनी हो रही है। पहले 4 दिनों में ही ऐसा हो जाता था, लेकिन अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि चीन के कुछ शहरों में कोरोना ने वापसी कर ली है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन जारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कुछ संकेत भी दे रहे हैं। मेरी राय कैसी लगी? अगर अच्छी तो फिर आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।